पूर्वोत्तर रेलवे में अब अनमैन्ड क्रॉसिंग समाप्त कर दी गई है। अब पूर्वोत्तर रेलवे अपने सभी संपार पाठकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दिया है, जिससे जहां दुर्घटनाएं रुकी हैं वहीं सुरक्षित यात्रा का मानक भी बढ़ा है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO संजय सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे अनमैन्ड लेवल को खत्म कर दिया गया है, कुछ क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है तो कुछ क्रॉसिंगों पर चेन डिस्क सिस्टम लगाया गया है, जहाँ 12-12 घंटों में 2 शिफ्टों के कर्मचारी काम करते हैं। वहीं गेट को ऑपरेट करते हैं और मोबाइल की सूचना पर गेट को चैन से बंद करने और खोलने का काम करते हैं। इससे दुर्घटना होने की संभावना खत्म हो गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO संजय यादव ने बताया। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे पर जितने भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थे उनको या तो बंद कर दिया गया है या उनको मैन कर दिया गया है, या तो बैरियर लगा के, और जहां इतनी जल्दी में बैरियर संभव नहीं हो पाया वहां पर चेन डिस्क का एक सिस्टम है जो कि हमारे एज पर GR है, तो चेन डिस्क लगा कर उसको बैन बंद कर दिया गया है, मतलब उसको मैन कर दिया गया है। इसके लिए हम लोगों ने मार्केट से एक सर्विसमैन को हम लोगों ने हायर किया है, और जिनको कि हम लोग एक फिक्स ऑनरेरियम देते हैं, एनी रेलवे देती है, और उनसे जो है इस गेट को हम लोग मैन किए हुए हैं और इनसे ही उन्हीं से इसको ऑपरेट कराते हैं। चेन डिस्क बैरियर को खोल के गेट से स्टेशन से बात करके, टेलीफोन प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर, स्टेशन से बात करके जब कोई गाड़ी नहीं आ रही होती है तब चेन डिस्क बैरियर खोला जाता है रोड ट्रैफिक को पास करने के लिए, अन्यथा चेन डिस्क बैरियर को बंद रखा जाता है। कितने शिफ्ट में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं? 2 शिफ्ट, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में है जी।